Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about demand for money and उस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं फिशर्स ट्रांजैक्शंस अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी। सो ये हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सप्लाई ऑफ मनी इन माय अर्ली वीडियोस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिशर्स ट्रांजैक्शंस। सो इन दिस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी फिशर्स एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लेड स्ट्रेस ऑन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शंस ऑफ मनी। तो कहने का मतलब है कि इस थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर फॉर मनी फिशर और अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने स्ट्रेस किया है किसके ऊपर, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, दैट इज मनी एज अ मीन्स ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेस। So in a given period, the value of all goods and services or assets sold must equal to the number of transactions T made multiplied by the average price of these transactions. अब आराम से समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या है। फिशर्स की जो थ्योरी है उसमें गिवन है कि एक गिवन पीरियड के अंदर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या फिर एसेट्स सोल्ड है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए कि कितनी ट्रांजेक्शन्स की गई है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और उस ट्रांजेक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्राइस ऑफ दीज ट्रांजेक्शन से। सो कहने का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स इक्वल्स टू पी इंटू टी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था इस पिछले वाले स्लाइड के अंदर कि गुड्स एंड सर्विसेज जो सोल्ड है उसकी प्राइस शुड बी इक्वल टू ट्रांजेक्शन्स इनटू में एवरेज प्राइस। ऑन द अदर हैंड द वैल्यू पेड इज आइडेंटिकली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी फ्लो यूज्ड फॉर बाइंग गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स। तो इसके लिए हम ये इक्वेशन देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी फ्लो जो होती है वो किसके इक्वल होती है, नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज यूज्ड। तो एक तरीके से ये होता है वैल्यू ऑफ मनी फ्लो फिशर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो द नंबर द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ट्रांजेक्शन्स वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग एक चीज यूज करने वाली है, ट्रांजेक्शन वेलोसिटी, और वो होता क्या है, वो एक तरीके से एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स है जिसमें एक यूनिट ऑफ मनी वो सर्कुलेशन में जो है वो यूज की गई है फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहली चीज तो हमने देखी कि द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वैल्यू ऑफ मनी फ्लो क्या होता है, जो नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी, कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई के अंदर है, इनटू में एवरेज ऑफ टाइम की वो सर्कुलेशन में यूज हो रही है। और हमने एक और चीज पढ़ी, ट्रांजेक्शन वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। अब आगे देखते हैं, सिंबॉलिकली फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज रिटन एज, अब ये एक्सचेंज की जो इक्वेशन है वो रिटन एज क्या हो सकती है, एम वी। एम वी मतलब जो मनी इन सर्कुलेशन है उसकी वेलोसिटी क्या है, इक्वल्स टू उसका एवरेज प्राइस और ट्रांजेक्शन्स क्या है। ये दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल। जहां पे M की वैल्यू है द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, V की वैल्यू होती है ट्रांजेक्शन्स वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन्स, P की वैल्यू होती है एवरेज प्राइस एंड T की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब आगे, अकॉर्डिंग टू फिशर द नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी जो हम एम से डिनोट करते हैं वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, सेंट्रल बैंक। फर्दर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना वो फंक्शन होता है नेशनल इनकम का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ द ग्रेटर द नेशनल इनकम द लार्जर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेड, उतनी ज्यादा ही
larger the number of transactions required. ठीक है, और एक और चीज हमें assumption पता होनी चाहिए. Fisher ने assume किया था that the full employment of resources prevail in the economy. Now the most important assumption which makes Fisher's equation of exchange as a theory of demand for money is that velocity of circulations remains constant. वो बोल रहे हैं जिस velocity से आज चल रही है ना यहाँ पे money, velocity in circulation या money use हो रही है वो उसी में ही रहेगी. ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम पी एंड टी. वो बोल रहा है फिशर्स का एजम्पशन ये था कि जो वी की वैल्यू है वो उसका ना तो एम मतलब नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी प्राइस और ट्रांजेक्शन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी चलती रहती है, इट विल रिमेन सेम. नाउ दिस इज बिकॉज ही थॉट दैट वेलोसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन प्रोसेस. ये जो कि गलत है वैसे ट्रांजेक्शन, बट ये फिशर्स के बेसिक एजम्पशंस थे. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग. आगे क्या है हमारे पास कि मनी मार्केट इज टू बी इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें देखनी होती है, वो कब इक्विलिब्रियम रहेगा, जब नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इक्वल टू होगा नॉमिनल क्वांटिटी मतलब सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड होगी. तो इसीलिए ये एक आपके पास हो गया कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कब रहेगी, जब मनी का सप्लाई इज इक्वल टू मनी का डिमांड. ठीक है, वेयर एम इज फिक्स्ड बाय आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक. नाउ अगर हम लोग मनी के डिमांड की बात करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, पी टी अपॉन में वी. हमने एक अभी इक्वेशन पढ़ी थी एम, मैं इसको थोड़ा डार्क कलर में समझाती हूँ आपको. एम वी इक्वल्स टू पी टी, एम को यही छोड़ दीजिए तो प्राइस इन टू ट्रांजेक्शन अपॉन में वेलोसिटी. क्या चीज निकालने का तरीका है, डिमांड ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू फिशर्स, डिमांड फॉर मनी. दस अकॉर्डिंग टू फिशर्स ट्रांजेक्शन या अप्रोच, डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स है, पहला है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एवरेज प्राइस, द ट्रांजेक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी. ठीक है, आगे देखते हैं. Now, अब हमें कुछ इसके ड्रॉबैक्स जो थे वो हमें समझने जरूरी, क्योंकि हर एक थ्योरी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हमेशा हमें पढ़ने होते हैं. तो देख लेते हैं इसमें क्या है हमारे पास. फर्स्ट, इन फिशर्स ट्रांजैक्शंस, एक मिनट रुको, यहां पर हमें हाँ ड्रॉबैक्स के अंदर, फर्स्ट इन फिशर्स ट्रांजेक्शन अप्रोच नॉट ओनली ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड बट ऑल्सो दोज विच अराइज इन सेल्स एंड परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज सिक्योरिटी शेयर लैंड एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, नाउ ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू अज्यूम दैट टी विल रिमेन कॉन्स्टेंट इवन इफ वाई इज टेकन टू बी कॉन्स्टेंट ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन. दूसरा हमारे पास जो एजम्पशन है वो ये है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन एंड डिटरमाइन अ जनरल प्राइस लेवल that covers not only goods and services currently produced but also capital assets. ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे पास ये पूरा का पूरा थ्योरी फिनिश होती है. आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब क्योंकि ये डिमांड फॉर मनी वाला टॉपिक काफी लंबा है, इसमें सबसे पहले हमें डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन या फिर थ्योरीज है वो हमें देखनी होती है. अब इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगी जो कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी था, हमें सारी की सारी पढ़नी है. और लास्ट में हम लेके आएंगे कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी. ये सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग. कोई भी आपको डाउट हो आप डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे. टिल देन गाइज, थैंक यू.